हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनी लैड्स। सो गाइस, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लेमिंगो का पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है इंडिगो, दैट इज़ रिटन बाय लुइस फिशर। तो गाइस, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा हमारी फ्रीडम से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है 1942 में, जब लुइस फिशर गांधी जी के पास विज़िट करता है और ब्रिटिशर्स के डिपार्चर के बारे में पूछता है। वो उनसे पूछता है कि गांधी जी ने अकेले इतना सब कैसे किया, ये सब कैसे हुआ। यानी इन शॉर्ट ही टॉक्स अबाउट द अर्जिंग ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी इसको बताते हैं कि ये जो सब था ये स्टार्ट 1916 में हुआ था लखनऊ से। एक्चुअली में गांधी जी 1916 में लखनऊ गए थे। वहाँ पर एक INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक कन्वेंशन था, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, जहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे अलग अलग प्रोविंसेस से, अलग अलग स्टेट से मीटिंग करने के लिए गांधी जी के पास। उसी मीटिंग के अंदर गांधी जी के पास एक गरीब किसान पहुँचा, पुअर पेजेंट पहुँचा, जिसका नाम था RK शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। ही वॉज़ पुअर, ही वॉज़ इमेशिएटेड, बट ही वॉज एडमेंट। वो गरीब जरूर था, वो कमज़ोर जरूर था, लेकिन वो डिटरमेंट था, वो एडमेंट था। वो चाहता था कि गांधी जी उसके साथ चंपारण चले, बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी विद द लैंडलॉर्ड सिस्टम ओवर देयर। उसने गांधी जी से रिक्वेस्ट की वो चंपारण चले, लेकिन गांधी जी ने बोला कि ही हैज़ प्रायर अपॉइंटमेंट्स, उनकी पहले से ही अपॉइंटमेंट्स है, उनकी आखिरी अपॉइंटमेंट कलकत्ता में है, अगर वो वेट कर सकता है तो गांधी जी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, एज आई टोल्ड यू कि राजकुमार शुक्ला वॉज एडमेंट, ही वॉज रेजोल्यूट, वो रेजोल्यूट था। ही फॉलोड गांधी जी वेर एवर ही वेंट अनटिल ही फिक्स्ड अ डेट। जब तक उन्होंने डेट को फिक्स नहीं कर दिया, वो गांधी जी को फॉलो करता रहा। जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे, तो कलकत्ता में मीटिंग ओवर के बाद उन दोनों ने अपनी ट्रेन पकड़ी जो पटना के लिए थी, और वहाँ से वो पटना के लिए रवाना हो गए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, किस लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गया था। देखिए, इंडियंस वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर 15% ऑफ द लैंड, एंड दैट वाज डन अंडर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। बहुत लंबे एग्रीमेंट के अंडर उनको इंडिगो उगानी पड़ती थी अपनी लैंड पर, 15% लैंड के ऊपर, और वो इंडिगो एज अ रेंट देनी पड़ती थी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। और एक दिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स पुअर पेजेंट्स के पास आए, पुअर शेयर क्रॉपर्स के पास आए, और वो बोले कि वो उनको इस एग्रीमेंट से फ्री करना चाहते हैं। इसके बदले में उन्होंने पैसे मांगे, कुछ ने तो पैसे दे दिए, कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने लॉयर्स को हायर कर दिया, और एग्रीमेंट हो गए। जिन्होंने पैसे दे दिए उनके एग्रीमेंट हो गए। कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ आई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर दिया है, जर्मनी ने जो इंडिगो बनाई है उसकी वजह से ओरिजिनल इंडिगो की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ जाएगी और ओरिजिनल इंडिगो को कोई नहीं खरीदेगा। तो गाइज, इसी चक्कर में पुअर पेजेंट्स जिन्होंने पैसे दे दिए थे, वो अब लुटा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो इंडिगो उनके पास थी वो यूज़लेस थी, प्लस उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे दे दिए थे। इसलिए वो चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आए और इसका सोल्यूशन करे और उनके पैसे वापस दिलाए। देखिए, गांधी जी सबसे पहले पटना वाली जो ट्रेन पे थे, उससे पहले मुजफ्फरपुर पहुँचे, जहाँ पर उनका वेलकम JB कृपलानी ने किया, जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। गांधी जी मलकानी के घर में, जो कि एक स्कूल लेक्चरर थे, उनके घर में 2 दिन रुके, जो कि बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि उन दिनों में होम रूल के अंतर्गत कोई भी एडवोकेट्स को शेल्टर नहीं करता था। फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर में एक रैली में पहुँचे, जो लॉयर्स ने कंडक्ट की थी। वहाँ वो चाहते थे कि गांधी जी उनको एड्रेस करें। गांधी जी वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने पुअर पेजेंट से फ़ी के बारे में पूछा जो वो लॉयर्स को देते थे। जब गांधी जी को फ़ी के बारे में पता चला कि लॉयर्स यूज टू चार्ज सच अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स, तो गांधी जी बहुत गुस्सा हुए और गांधी जी ने लॉयर्स को वहीं डांटा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा? तो आपको आंसर लिखना है कि बिकॉज दे यूज टू चार्ज हाई फी फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स। उसके बाद गांधी जी ने लोगों को एडवाइस भी किया कि वो लो कोर्ट्स ना जाएं, क्योंकि लो कोर्ट्स में उनको क्रश किया जाता है,
उनको पीसा जाता है बुरी तरह, उनके पैसे का भी नुकसान होता है और उनके टाइम की भी वेस्टेज होती है। यहाँ पर लॉयर्स को थोड़ा सा झुकना पड़ा, लॉयर्स ने गांधी जी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मॉडरेट फ़ी चार्ज किया करेंगे, वो ज़्यादा फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। अब गांधी जी ने वहाँ से अपनी जब रैली ओवर की, वहाँ पे जब एड्रेस ओवर हुआ, तो फिर उसके बाद वो पटना पहुँचे। पटना में अपने एक मित्र के घर, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, तो जब उनके घर पहुँचे तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं, वो शायद बाहर गए हुए थे किसी काम से। तो वहाँ पर उनके सर्वेंट्स ने गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को मॉल ट्रीट किया। देखिए, मॉल ट्रीटमेंट का रीज़न राजकुमार शुक्ला था, जो अक्सर उनके घर जाया करता था। सर्वेंट्स को पता था कि राजकुमार शुक्ला आया करता है उनके घर में बार बार, इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी अनटचेबल समझा। देवर मेड टू सिट ऑन द ग्राउंड, देवर नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। और जब गांधी जी कुएं में से पानी निकालने के लिए गए तो वहाँ भी उनको मना कर दिया गया। इन शॉर्ट, देवर ट्रीटेड एज अनटचेबल। अगर उन्होंने पानी निकाला होता तो उनके हिसाब से पूरा जो कुआ है, पूरा जो सोर्स है, वो पोल्यूट हो गया होता और वहाँ से कोई भी पानी ना पीता। इन शॉर्ट, दोनों का वहाँ पर मॉल ट्रीटमेंट हुआ, दोनों को अनटचेबल समझा गया। अब गांधी जी आगे पहुँचे। गांधी जी तिरहुत डिवीज़न के सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास पहुँचे ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने उनको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, कॉलिंग हिम एन आउटसाइडर। उन्होंने बोला कि वो आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, गांधी जी ने कहा कि वो आउटसाइडर नहीं है एंड ही शुड नॉट बी कॉल्ड एन आउटसाइडर बिकॉज इट इज़ हिज कंट्री, वो उनका देश है, वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। उसके बाद गांधी जी कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर जो वहाँ तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर थे, गांधी जी को उम्मीद थी कि वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने भी हेल्प नहीं की। ही रादर बुलेट गांधी जी, उन्होंने गुंडागर्दी की, धमकियाँ दी एंड थ्रेटन्ड हिम टू लीव चंपारण, और उनको चंपारण से जाने के लिए कहा। गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। तो दोनों ऑफिसर से गांधी जी को किसी भी तरीके की एड या किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब गांधी जी चंपारण पहुँचे। चंपारण में वहाँ उन्होंने मोतिहारी, जो कैपिटल थी चंपारण की, वहाँ अपना आश्रम एस्टेब्लिश कर लिया। अभी उन्होंने अपना आश्रम एस्टेब्लिश किया ही था कि उनके पास एक न्यूज़ पहुँची कि एक पुअर पेजेंट को किसी ने मॉल ट्रीट किया। गांधी जी उस पुअर पेजेंट को देखने के लिए जा रहे थे हाथी के ऊपर बैठ के, सडनली ही वॉज स्टॉप्ड, उनको रोक लिया गया एंड ही वॉज टेकन टू पुलिस स्टेशन और उनको एक नोटिस दे दिया गया। गांधी जी के ऊपर एक केस चलाया गया और उसके लिए गांधी जी को कोर्ट में जाना था। गांधी जी ने नोटिस के ऊपर लिख दिया, आई विल डिस ओबे दिस ऑर्डर, और यानी गांधी जी के ऊपर एक झूठा केस बनाया गया और उनको कोर्ट में पेश किया गया। गांधी जी बहुत परेशान थे क्योंकि उनको कोर्ट में जाना था। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है उनके साथ और क्या नहीं हो रहा। पूरी रात वो सो नहीं पाए। उन्होंने अपने कुछ मित्रों को, कुछ दोस्तों को टेलीग्राम लिखा और बताया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और रिक्वेस्ट की कि जितने भी लॉयर्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो सारे जल्दी से जल्दी चंपारण पहुँच जाए। जब गांधी जी सुबह उठे तो उन्होंने देखा ही वॉज नॉट अलोन, ही वॉज अकम्पनीड बाय थाउजेंड्स ऑफ पुअर पेजेंट्स, उसमें कुछ लॉयर्स भी थे और सारे के सारे रेडी थे गांधी जी के साथ कोर्ट जाने के लिए। अब गांधी जी कोर्ट पहुंचे तो वहाँ मेजर प्रॉब्लम क्या आई अथॉरिटी को, देवर अनेबल टू कंट्रोल द क्राउड, देवर अनेबल टू रेगुलेट द क्राउड। इसके लिए भी अथॉरिटीज़ को गांधी जी की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की और गांधी जी ने क्राउड को रेगुलेट किया और उनको बोला कि कोई भी वायलेंस ना करे, सभी नॉन वायलेंटली वहाँ पर बैठे रहे और वेट करे कि डिसीजन क्या आने वाला। अब गांधी जी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने गांधी जी से रीज़न पूछा तो गांधी जी ने जस्टिफाई किया। गांधी जी ने बोला, ही इज़ नॉट अ लॉ ब्रेकर, ही ओनली वॉन्ट्स टू फाइट फॉर द पुअर पीपल, ही वॉन्ट्स टू गेट द राइट्स बैक ऑफ पुअर पीपल, वो उनके राइट्स वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि ही इज़ इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, लेकिन उनका मकसद किसी को डोमिनेट करना या डिसओबीडियंस करना नहीं है। मजिस्ट्रेट भी कंफ्यूज था कि वो क्या करे। उसने पहले तो 2 घंटे का टाइम लिया, लेकिन 2 घंटे बाद आकर उसने गांधी जी को बिना बेल के रिलीज़ कर दिया। तो वैसे बहुत बड़ा मोमेंट था इंडियंस के लिए, गांधी जी फ्री हो गए थे, वो भी बिना बेल के। गांधी जी बाहर आए
गांधी जी ने लॉयर से पूछा मजाक में ही कि व्हाट इफ ही वाज सेंट टू जेल, कि वो क्या करते अगर गांधी जी को जेल हो जाती तो। लॉयर्स ने कहा कि दे हैड कम टू सपोर्ट गांधी जी, इफ ही वर सेंट टू जेल दे वुड गो बैक टू होम। उन्होंने कहा कि वो अपने घर चले जाते अगर गांधी जी को जेल हो जाता तो। तब गांधी जी ने उनको इन्फ्लुएंस किया और उनके आगे एक एग्जाम्पल सेट किया कि जब एक आउटसाइडर होके वो बिहार के लोगों के लिए लड़ सकते हैं, तो बिहार के लॉयर्स क्यों नहीं लड़ सकते बिहार के लिए। इस एग्जाम्पल से जो लॉयर्स थे वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए। उन्होंने गांधी जी को एश्योरेंस दिया कि अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो वो भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे। उनकी यूनिटी को देखकर, उनके सपोर्ट को देखकर गांधी जी ने कोर्ट में ही डिक्लेयर कर दिया द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन कब कहा गांधी जी ने और क्यों कहा, इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करें। अब गांधी जी ने एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू किए, उन्होंने 10,000 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे कर लिए, उन्होंने लोगों से लिखवा लिया कि उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने आप बीती लिखवाई लोगों की कि क्या क्या एट्रोसिटीज़, क्या क्या एक्सप्लोटेशन हुए थे उनके साथ, ताकि अगली बार जब कोर्ट में जाना हो तो एविडेंस को पेश किया जा सके। गांधी जी ने रैलीज करनी शुरू कर दी, लोगों को यूनाइट करना शुरू कर दिया, लोगों को ज्वाइन कराई, और एक बंदे ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर दिया चंपारण में। इतना बड़ा मूवमेंट कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सर एडवर्ड गेट थे उस टाइम के, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी के 4 लॉन्ग इंटरव्यूज़ लिए और फाइनली एक कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया। ये इस कमीशन में कुछ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, कुछ पुअर पेजेंट्स थे, और इंडियंस के बिहाफ पे जो मेन बंदा था वो गांधी जी थे। जब कमीशन का आउटकम आया, जब इसका रिजल्ट निकला, तो दोषी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पाया गया और उनको ऑर्डर दिया गया कि जितने भी पैसे उन्होंने इलीगली एक्सटोर्ट किए थे, इलीगली खोसे थे, ऐठे थे, पुअर पेजेंट्स थे, वो उनको वापस लौटाने पड़ेंगे। ये ऑर्डर आया लेफ्टिनेंट गवर्नर का और कमीशन का, जिसको सेटअप किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे ये गांधी जी के पास बोले और गए और बोले कि कितना पैसा देना है। देखिए, गांधी जी डिमांडेड ओनली 50%, याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी ने सिर्फ 50% मांगा और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे दे अग्रीड एट 25%। उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ 25% दे सकते हैं। गांधी जी इवन अग्रीड टू 25%। गांधी जी 25% पर एग्रीमेंट हुए और फाइनल एग्रीमेंट था जो 25% पर हो गया। 25% पर एग्रीमेंट होने से दोनों पार्टीज खुश थी, लेकिन जो पुअर पेजेंट्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो विक्टिम्स थे जिनसे इलीगली पैसे ऐठे गए थे, दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी, दे वॉन्टेड देयर एंटायर अमाउंट बैक। जब वो गांधी जी के पास गए अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए, तो गांधी जी मेड देम अंडरस्टैंड, गांधी जी ने उनको समझाया कि मनी इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रेस्टीज विच दे हैव गॉट एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैव लॉस्ट। और गांधी जी ने उनको ये भी बताया कि इसका आउटकम, इसका रिजल्ट उनको 2-4 साल बाद देखने को मिलेगा, और वही हुआ गाइस जिसका इंतजार था। 2 साल के अंदर अंदर सारे ब्रिटिशर्स चंपारण छोड़कर चले गए और चंपारण इंडिया की पहली जगह बन गई जहां पर ब्रिटिशर्स नहीं थे। इट वॉज़ अ विक्ट्री नॉट ओनली फॉर गांधी जी बट ऑल्सो फॉर द पुअर पेजेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स ऑफ बिहार, यानी चंपारण के जो थे। अब गांधी जी को चंपारण में रहते हुए 6 से 7 महीने हो गए थे। देखिए, जब वो पटना आ रहे थे, जब वो चंपारण आ रहे थे, ही हैड एक्सपेक्टेड दैट द एपिसोड वुड बी ओवर इन अ डे और टू, कि 2 या 4 दिन के अंदर वो इस एपिसोड को ओवर कर देंगे। बट इट टुक गांधीज ऑलमोस्ट 6 to 7 months। अब उनको लगा जब इतना टाइम लगा ही दिया है तो क्यों ना कुछ सोशल और कल्चरल चेंजेस कर लिए जाए। गांधी जी ने सबसे पहले 6 प्राइमरी स्कूल्स खोले चंपारण के गाँव में। उन्होंने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया कि वो आए और अपनी वॉलंटरी सर्विसेज दें। उन्होंने टीचर से भी रिक्वेस्ट किया, 2 टीचर्स आए भी मुंबई से, जो कि नरहारी पारेख और महादेव देसाई थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर्स 3 मेडिसिन लेकर आए, एक तो थी क्विनीन जो कि मलेरिया के लिए दी जाती थी, एक थी सल्फर ऑइनमेंट जो कि स्किन इरप्शंस के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती थी, और एक था कैस्टर ऑयल जो हर बीमारी के लिए दिया जाता था। अब चंपारण में ना तो बीमारियां थी, ना ही
इलिटरेसी की प्रॉब्लम थी, लोग पढ़ लिख रहे थे, लोग एजुकेटेड हो रहे थे, हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जो पुराने लेटरिन ट्रेंचेस थे, गांधी जी ने उनको बंद करा दिया और न्यू को डक कराया गया, उनको खुदवाया गया। गांधी जी ने वहाँ के सैनिटेशन पे काम किया। गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी और छोटा बेटा देवदास गांधी, उन्होंने भी क्लीनलीनेस, सैनिटेशन और एजुकेशन पे काम किया। और कुछ ही महीनों के अंदर चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट बन गई, एक परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट बन गई, जहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, लोगों को रिक्वायर्ड होती है, वहाँ थी। चंपारण अब एक परफेक्ट जगह थी, ना ब्रिटिशर्स थे, ना कोई प्रॉब्लम थी। और गांधी जी का लगभग 1 साल इसके अंदर लग गया था। देखिए गाइस, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, वो याद रखना है कि गांधी जी ना चंपारण एपिसोड को टर्निंग पॉइंट समझते थे। इस एपिसोड ने उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया था। चंपारण एपिसोड से पहले कुछ ही लोग गांधी जी को जानते थे, लेकिन चंपारण एपिसोड के बाद पूरा भारत, पूरा इंडिया उनको जानने लगा और सारे लोग गांधी जी के बारे में उनको एज ए लीडर समझने लगे। अब बारी थी चंपारण छोड़ने की। 1 साल हो चुका था। गांधी जी जब चंपारण छोड़कर जा रहे थे, तो कुछ लॉयर्स और कुछ शेयर क्रॉपर्स, पेजेंट्स एक आदमी को, एक ब्रिटिशर को अपने साथ लेकर आए, जिसका नाम था C.F. एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज। हालांकि बहुत अच्छा इंसान था ये, पैसिफिस्ट था, शांति दूत था, शांतिवादी था, और गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर भी था, गांधी जी को फॉलो भी करता था। वो चाहते थे कि इसको लीडर बनाया जाए, C.F. एंड्रयूज को, जो आगे डिसीजन ले सके, क्योंकि गांधी जी अब छोड़कर जा रहे थे और इंडियंस अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने उनकी इस पेशकश को, उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट इंडियंस टू बी रूल्ड बाय एनी ब्रिटिशर्स। उन्होंने लोगों को समझाया कि वो अपने डिसीजंस खुद लें, सेल्फ रिलायंस का लेसन सीखे, अपने ऊपर भरोसा करें और किसी ब्रिटिशर के ऊपर भरोसा ना करें। अगर उन्होंने इस ब्रिटिशर को मौका दिया, तो ये दो चार और ब्रिटिशर ले आएगा, एंड द सिचुएशन वुड बी एज सेम एज इट वॉज अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। सिचुएशन वो ही हो जाएगी। इस तरह गांधी जी ने जाते जाते सेल्फ रिलायंस का लेसन भी सिखा दिया गाइज इंडिया के लोगों को, स्पेशली चंपारण को। तो गाइज, ये था हमारा चैप्टर इंडिगो।